अम्मी जान चली गई ये बुढ़िया, सुनी कहां मर जाती है। अम्मी जान कहां मर गई थी वो, क्या कर रही थी? जब तुम्हें पता है कि मैं कमरे में आ गई हूं तो आ जाना चाहिए था। पाओ क्या तुम्हारा बाप दबाएगा? चल चल। अरे चुप। बेबी हाथों में मेहंदी लगी है, जो इतने प्यार से दबा रही हो जोर से नहीं दबा सकती। सही से दबा। जोर से। बहुत जुल्म बर्दाश्त कर लिया तुम्हारा, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर। वो मेरा दोस्त अफसर आया हुआ था, उसको पता चला कि तुम्हें गोली लगी है तो स्पेशली तुमसे मिलने आया था। ये आप क्या कर रहे हैं? अब क्या कर रहा हूँ? What? अपनी हालत तो देखिए, मुझसे इतना डर क्यों रहे हैं? मैंने आपसे कोई सफाई मांगी नहीं ना? मैं डरने वाली कौन सी बात है? वो जस्ट कमिंग हियर। अच्छा छोड़िए, नाजिया और सैफ एक दूसरे के साथ बाहर वक्त बताना चाहते हैं। मैं आपसे इजाजत लेने आई थी। दोनों एक साथ? उफो, दुनिया के सारे भाई एक जैसे होते, जहां पर बहन की बात है वहां सबको शक की निगाहों से देखते। आहिर जी, मेरा यकीन मानिए, लड़का बहुत अच्छा है और अब तो आपने रिश्ते के लिए हाँ भी कर दी है। हमारी नाजिया उसके साथ बहुत महफूज रहेगी, आप फिक्र ना कीजिए। लेकिन दोनों को एक साथ? अच्छा ठीक है, अगर आप चाहें तो मैं उनके साथ जा सकती हूँ। अफसर से मिलने का इससे अच्छा मौका तो मिलेगा ही नहीं। देखो अगर तुम जाना चाहती हो तो ठीक है, तुम जा सकती हो, बट यू नो व्हाट, मैं चाहूंगा कि नाजिया मेरे कांटेक्ट में रहे। आप फिक्र मत कीजिए, ये रखिए ये फोन आप अपने पास रखिए और जब भी आपको मुझसे बात करनी हो आप मुझे कॉल कर लीजिएगा। एक्सेलेंट, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। ऑफ कोर्स आई नो, प्यार जो इतना करती हो मुझसे। शुक्रिया भाभी जान, हम तो सैफ से कब से मिले तक नहीं थे और अब देखिए उसके साथ बाहर जाने का मौका मिल रहा है। पर आपने भाईजान को कैसे मना लिया? झूठ बोल के कि मैं भी तुम लोगों के साथ जा रही हूं। परेशान मत हो, मैं दो मोहब्बत करने वालों के बीच में हड्डी नहीं बनना चाहती। लेकिन भाभी जान, अगर अब आप हमारे साथ नहीं गई तो भाईजान आपको घर पे देख लेंगे तो फिर उन्हें शक हो जाएगा कि हम अकेले गए हैं। तुम सच में इतनी बेवकूफ हो या बेवकूफ होने का नाटक कर रही हो? मैं तुम लोग के साथ नहीं गई इसका ये मतलब नहीं है कि मैं आहिर जी के सामने घर पर बैठी रहूंगी। मेरी बहुत सारी सहेलियां हैं, मैं एक रात के लिए किसी के पास भी चली जाऊंगी। हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ये सब हमारे साथ हो रहा है। आप अचानक से हम पे इतना मेहरबान कैसे हो गई? क्योंकि मुझे वो मिल गया है जो मुझे चाहिए था। मेरे आहिल जी, इससे पहले कि मेरा इरादा बदले तुम सामान लो और जाओ। जी। अच्छा सुनो सुनो, एक मिनट रुको। मिठाई खाओ, अब तो आहिल जी ने तुम्हारे रिश्ते के लिए हाँ भी कर दी है। जल्दी जाओ।
मैंने तुम्हारे भाईजान का बहुत इंतजार किया, लेकिन क्या करूं, जिनके नसीब में चांद नहीं होता उन्हें टूटे हुए तारे से ही काम चलाना पड़ता है। तुम्हारे भाईजान ने मना कर दिया तो अब मिलन की रात सैफ के साथ मनेगी। अब इतना तो मुझे करना ही पड़ेगा ना आहिल जी की मोहब्बत के लिए। या अल्लाह, मुझे तो पता ही नहीं था कि शाद ने निकाह कर लिया। चुप क्यों हुआ था ना? तो वैसे एक बात कहूं, मेड फॉर ईच अदर तो मैंने सुना था, लेकिन आपको मिलकर ये यकीन हो गया कि दुनिया में कहीं ना कहीं कोई बिल्कुल वैसा होता है जैसे हमें चाहिए हो। आप भी शाद की तरह बिल्कुल बहादुर हैं। बड़े खुश नसीब हैं शाद कि उन्हें आप जैसी बीवी मिली। आपने मेरी बहुत मदद की है, शुक्रिया। शुक्रिया क्यों कह रही हैं आप? अरे घर वालों के लिए तो इंसान जान दे देता है। मैंने तो कुछ भी नहीं किया, और जो वक्त आपने देखा है, जो मुश्किलें आपने सही हैं उस नकली मिसबा की वजह से। लेकिन आप फिक्र ना करें, इसमें शाद का इंतजार कर रही हूँ। उनका फोन आया था, कह रहे थे कल आ जाएंगे। वो जैसे ही आएंगे उस झूठी का पर्दाफाश हो जाएगा। और वैसे भी आपको पता है एक दो बार वो मुझे शाद के सामने झूठा साबित कर चुकी है। आप रहेंगी तो सबूत रहेगा और शाद को अपने आप पता चल जाएगा कि वो कितनी गलत है। लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ कि उसने ऐसा क्यों किया। वो चाहती क्या है? आपको कुछ चाहिए क्या? नहीं, मैं ठीक हूं। एक मिनट, पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर।